शारजा चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है और यहाँ पर मैं पहली मर्तबा रोल प्ले कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में स्कूल में दिया था रोल प्ले, लेकिन मैं उस टाइम एब्सेंट था। स्कूल में एब्सेंट हो गए थे, लेकिन आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं आप। तो क्या समझते हैं कुछ कितना टाइम बाद आप स्टेज पर जाएंगे, क्योंकि आपने टीवी शोज में तो बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन क्या समझते हैं कोई डिफरेंट है, कोई नर्वसनेस है आप में? नहीं, डिफरेंट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोग सामने बिल्कुल बैठे होंगे, तो कुछ ऐसे नहीं होता कि यार कुछ डायलॉग भूल जाऊँगा तो कुछ मसला बन जाएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बस अच्छा, मुझे डर नहीं लगता। पहली दफा मुल्क से बाहर परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं? नहीं, दो मर्तबा। पहले कहाँ कहाँ किया आपने? मतलब दुबई दो मर्तबा आया हूँ ना। अच्छा, लेकिन जब स्टेज ड्रामा तो फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है कि इससे अगर ये रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर मजीद ड्रामे भी करोगे आप? जी, अगर मौका मिला तब ड्रामे करेंगे ना, वरना तो फिर अभी पढ़ाई पे भी तो ध्यान देना है। आप बाकी बच्चों को क्या कहते हैं जो आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, तो क्या उनको पढ़ाई के साथ साथ इस तरफ तवज्जो देनी है या सिर्फ खेल कूद पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिधर हम इस वक्त बैठे हुए हैं शारजा बुक फेयर हो रहा है और यहाँ पर किताब को रीड करने के बारे में ज़्यादा बात होती है, तो उस बारे में क्या कहते हैं? आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं, शौक़ है आपको? जी। कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं आपने? मैंने मैथ वाली पढ़ी है, जैसे वो हैंसल एंड ग्रेटल। अच्छा, स्टोरी है। ठीक है। और इस ड्रामे के अलावा आपने बुक फेयर का जो फेस्टिवल है, एक्सपो है, उसको विजिट किया सब स्टॉल्स पे, तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी यहाँ पे? मुझे बुक्स अच्छी लग गई। अच्छा, तो कोई बुक्स खरीदी भी हैं आपने? जी। पाकिस्तान में बच्चों को कुछ मैसेज दे दो आप। आप लोग पढ़ाई रोजाना करें और खेल कूद भी करें, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करें, ये मैसेज है मेरा। थैंक यू।